इंदौर भोपाल रोड की घटना, नसरुल्लागंज थाने का मामला। घटना के बाद लगा 1 किलोमीटर लंबा जाम, पुलिस पहुंची मौके पर। एक सप्ताह में नसरुल्लागंज में सड़क दुर्घटना में हो चुकी 4 लोगों की मौत। नाले पर पहले भी कई बार लंबा जाम लगा रहता है, कुछ इसके पीछे के कारण व्यापारियों के ट्रक रोड पर ही खड़े कर सामान खाली किए जाते हैं। कुछ बड़े गल्ला व्यापारी भी मंडी में खरीदने के बाद मेन रोड पर ट्रैक्टर ट्रोली सड़क पर लगा देते हैं। नीलकंठ रोड होते हुए रेत ओवरलोड हाईवा डंप पर निकल रहे हैं, जिससे नगर एवं ग्रामीणों के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन इसको देखने के बाद भी अनदेखा कर रहे हैं। लगता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नगर को सुंदर बनाने में लगे हैं, लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन नहीं चाहता कि इन सब सड़क हादसों में कहीं ना कहीं पुलिस एवं आरटीओ की लापरवाही देखी जा सकती है, क्योंकि इन बड़े बड़े वाहनों को नाबालिग बच्चे जिनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच है, वह लोग इन नंबरों को ट्रकों को चला रहे हैं। लेकिन आज तक पुलिस द्वारा एवं आरटीओ द्वारा यहां पर ट्रैकिंग नहीं की जाती, जिससे जिन लोगों को वाहन चलाने का अनुभव नहीं है और जो लोग ट्रैक्टर चलाते हैं उनके हाथ में वाहन मालिकों के द्वारा बड़े वाहन तो किए जाते हैं। इसका बड़ा कारण है कि यह लोग कम दाम में काम करने को मिल जाते हैं, ऐसे में हेल्पर ही इन नंबरों को चलाने लग जाते हैं। लेकिन आरटीओ द्वारा आज तक नसरुल्लागंज क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई और बिना लाइसेंस के यहाँ पर लोग धर्राटे से वाहन को चलाते हैं, जिससे सड़क हादसे में बढ़त हुई है। देखने वाली बात यह है कि क्या खबर के बाद सोया हुआ प्रशासन जागेगा। अभी 6 दिन के अंदर 5 लोगों की गैररदन हत्या हो गई, 4 लोग ओवरलोड रेती के डंपर से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया, 1 व्यक्ति ट्राले से खत्म हो गया। नसरुल्लागंज के स्थानीय पुलिस प्रशासन से बात की जाती, पत्रकार लोग पूछते तो उनका कहना है कि हम लोग व्यवस्था सुधारेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारेंगे। पूरे शहर में जगह जगह गाड़ी खड़ी है, तेज रफ्तार में डंपर निकल रहे हैं, क्योंकि रेत वालों से पुलिस प्रशासन का महीने से बना है हफ्ता। उनके हफ्ता बनने की वजह से आज नसरुल्लागंज में माननीय मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में आज लोग बेमौत मर रहे हैं। आज जिनके, मेरा तो ये कहना है कि गैर निरंतर हत्या है, उनको गैर निरंतर हत्या का केस बनना चाहिए इन लोगों पर। और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील बात करते हैं, लेकिन आपके बुधनी विधानसभा की पुलिस यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधार पा रही है। जिन लोगों के परिवार के लोग खत्म हुए, उनकी स्थिति देखो, आज उनके बच्चे परिवार कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। मेरा निवेदन है आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, थाना प्रभारी जी, मुख्यमंत्री जी से, क्या व्यवस्था को सुधारे ताकि हमारे जो लोग जो ओवरलोड डंपर से मर रहे हैं, इनसे मर रहे हैं, उनकी रक्षा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।